अब खबरें विस्तार से। एबीवीपी हमीरपुर ने हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय प्रशासन के खिलाफ उपायुक्त हमीरपुर कार्यालय के गेट पर धरना प्रदर्शन किया और प्रदेश सरकार से एससीए चुनावों को बहाल करने की मांग उठाई। उपायुक्त कार्यालय गेट पर आयोजित धरना प्रदर्शन में प्रदेश सरकार व एचपीयू प्रशासन के मुर्दाबाद के नारे भी लगाए गए। एबीवीपी हमीरपुर इकाई ने हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय प्रशासन के खिलाफ उपायुक्त हमीरपुर कार्यालय के गेट पर कॉलेज छात्रों की लंबित मांगों को पूरा न करने पर धरना प्रदर्शन किया और प्रदेश सरकार से एससीए चुनावों को बहाल करने की मांग उठाई। उपायुक्त कार्यालय गेट पर आयोजित धरना प्रदर्शन में प्रदेश सरकार व एचपीयू प्रशासन के मुर्दाबाद के नारे भी लगाए गए। उपायुक्त कार्यालय गेट पर एबीवीपी के दर्जनों छात्रों ने प्रदेश सरकार और विश्वविद्यालय के प्रति अपना गुब्बार निकाला। एबीवीपी की मुख्य मांगों में महाविद्यालय में अध्यापकों के रिक्त पद नहीं भरे जा रहे, सरकार ने कॉलेज को खोल रही है परंतु जो पहले से ही खुले कॉलेज है उनमें अध्यापकों के रिक्त पदों को नहीं भरा जा रहा है। वहीं विश्वविद्यालय प्रशासन द्वारा परीक्षा के परिणामों के उचित तरीके से नहीं निकाला जा रहा है। परिणामों में काफी खामियां आ रही हैं जिनसे छात्रों को आगे दाखिला लेने में समस्याएं आ रही हैं। इसके साथ ही एसएमसी और आउटसोर्सिंग के माध्यम से जो भर्तियां हो रही हैं छात्रों के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है, इन पर रोक लगानी चाहिए और छात्र संघ चुनाव बहाल किए जाएं। एबीवीपी के इकाई सदस्य ने कहा कि मेडिकल कॉलेजेस में भारी फीस वृद्धि हो रही है, ये सरासर गलत है तथा इस पर रोक लगाने की आवश्यकता है। उन्होंने सरकार को चेताया कि अगर इन मांगों को जल्द से जल्द पूरा नहीं किया गया तो विद्यार्थी परिषद और भी उग्र आंदोलन करेगी। विद्यार्थी परिषद जिला हमीरपुर इकाई ने आज जिला केंद्र के बाद धरना प्रदर्शन किया है। पूरे प्रदेश में प्रत्येक जिला केंद्र पर हो रहा है। ये प्रदेश के जितने भी जिला केंद्र है, इससे पहले हमने जितने भी कॉलेज हमारे हिमाचल प्रदेश में वहाँ पे 7 तारीख को धरना प्रदर्शन किया था और आज जिला केंद्रों पर धरना प्रदर्शन हो रहा है। विद्यार्थी परिषद की जितनी भी मांगे सरकार से जो रही है, ये धरना प्रदर्शन उन्हीं मांगों को लेकर है। विद्यार्थी परिषद का मत है कि प्रदेश में जो लोकतांत्रिक अधिकार छात्र संघ चुनाव है वो जल्द से जल्द बहाल होने चाहिए। अन्य प्रदेशों की भांति जैसे लोकतांत्रिक उनको व्यवस्था के तहत उनको छात्र संघ चुनाव वहाँ पे होते हैं, उनको छात्र नेता चुनने का जो उनको मौका मिलता है। हम चाहते हैं कि हिमाचल प्रदेश में पढ़ने वाले छात्रों के लिए भी सरकार ऐसा मौका दे, प्रत्यक्ष छात्र संघ चुनाव उनको बहाल करे। इसके अलावा हम देखते हैं एसएमसी आउटसोर्सिंग के तहत आज हिमाचल प्रदेश में अनेकों भर्तियाँ हो रही हैं। जो भी वहाँ पे भर्ती हो रही है उनको 2-3 सालों के बाद वहाँ से निकाल दिया जा रहा है। ये सरासर उस छात्र स्टूडेंट के साथ खिलवाड़ है जिसने वहाँ पे शिक्षा प्राप्त की होती है, उसका एसएमसी में या फिर उसको आउटसोर्सिंग के जरिए वहाँ किसी भी जॉब के लिए वहाँ पे रखा जा रहा है। इसके अलावा हमने पहले से एक मांग उठाई थी कि जितनी भी प्राइवेट यूनिवर्सिटीज प्राइवेट कॉलेज हैं उनके लिए नियामक आयोग बना है जो उनकी फीस हर एक चीज़ वहाँ से डिसाइड करता है। उनका जो चेयरमैन है उसको वो पहले से ही भ्रष्टाचारी है, अनेकों उसके ऊपर मुकदमे पहले से भ्रष्टाचार के तहत दर्ज हैं, लेकिन अभी भी प्रदेश सरकार ने उनके खिलाफ कोई भी वहाँ पे सख्त फैसला नहीं लिया है। हमने पहले ही मांग रखी थी कि उसको बर्खास्त किया जाए। अनेकों शिक्षा क्षेत्र के जो ज्वलंत मुद्दे हैं उनको लेकर विद्यार्थी परिषद आज यहाँ पे प्रदर्शन कर रही है। अगर सरकार ने जल्द से जल्द एक रुझान हमारी मांगों को पूरे करते हुए नहीं दिया तो विद्यार्थी परिषद का ये जो आंदोलन आज है ये और तेजी से उग्र हो जाएगा और विद्यार्थी परिषद कल को सड़कों पर उतरेगी और चक्का जाम करने से भी परहेज नहीं करेगी।